लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में डबल मर्डर से मच गई सनसनी। विपुल खंड में बीती रात बदमाशों ने बाराबंकी में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर तैनात लता मेहरा और उनके पति राकेश नारायण मेहरा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। दोनों अपने घर में अकेले रहते थे। राकेश मेहरा पिछले साल ही रिटायर हुए हैं, जबकि उनकी पत्नी बाराबंकी में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर तैनात है। घटना कब हुई, किसने की, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली में नौकरी कर रही मेहरा दंपत्ति की बेटी ने जब बीती रात अपने माता पिता से बात करनी चाही तो किसी ने फोन नहीं उठाया और उसके बाद उनकी बेटी ने पड़ोसियों को फोन करके इस बात की जानकारी दी। पड़ोस के लोग जब घर के अंदर गए तो दोनों के शव बाहर के कमरे में पड़े मिले। अब पुलिस हत्या के सुराग तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे लखनऊ में तनाव और लोगों में घबराहट है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, लखनऊ में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या होती है उनके घर में घुसकर, क्या यह कानून व्यवस्था की कमी है, क्या पुलिस का डर नहीं है, या कोई और मामला ये नजर आता है, क्या कह रही है अभी तक पुलिस? अनूप देखिए सही, बिल्कुल ये कानून व्यवस्था का मामला है, बहुत ही गंभीर मामला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस इलाके में विपुल खंड, गोमती नगर का इलाका है विपुल खंड, और ये काफी पॉश इलाका है और तमाम आईएएस और आईपीएस और तमाम अच्छे लोग जो है वहां पर रहते हैं, और वहां पर इस तरह की घटना हुई है जहां पर दो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, राकेश नारायण मेहरा उनकी उम्र 61 साल थी और उनकी पत्नी जो लता मेहरा थी उनकी उम्र 59 साल थी, दोनों घर में अकेले रहते थे। रात को कुछ लोग आते हैं, बाकायदा ड्राइंग रूम में बैठते हैं, मिठाई और पानी आती है, क्योंकि पुलिस को वहां पर मिठाई की प्लेट और पानी की दो गिलास भी मिली है, और उनको मारा जाता है। पुलिस का जहां तक सवाल है कि हत्या क्यों हुई है, इस पर पुलिस का कहना है कि फिलहाल लूट की आशंका नहीं जताई जा सकती है, क्योंकि जो अलमारी है उनकी, वो अलमारी से छेड़छाड़ नहीं की गई है, हालांकि कमरे का जो सामान है वो बिखरा जरूर मिला है। तो फिलहाल पुलिस ये कहने में लगी, पुलिस का ये कहना है कि जिन लोगों ने भी मारा है वो संभवतः इन दंपत्ति के जानने वाले रहे होंगे, क्योंकि उस घर में एक कुत्ता भी बरामद किया गया है, जो कुत्ता घर में टहल रहा था, और जाहिर सी बात है किसी तरह का शोर नहीं हुआ, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ या कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो लोग थे वो उनके जानने वाले थे, और फिलहाल पुलिस किसी सुराग जी